नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के कुठुलिया में। ये आम की नर्सरी है। यहाँ पर लगभग 125 प्रकार के आम लगाए गए थे, जो वर्तमान में 113 प्रकार के आम हैं। कहने के लिए तो यहाँ पर देश की सभी प्रचलित आमों की जातियाँ मौजूद हैं। मसलन अगर बात की जाए, लंगड़ा, दशहरी, सुंदरजा यहाँ की सबसे फेमस वेराइटी है। आज हम बात इनकी नहीं करेंगे। मैं आज लॉकडाउन की बात भी नहीं करूँगा, जिसका नाम जरदालू का नाम बदल के लॉकडाउन किया गया था, उसकी भी बात नहीं। आज बात अंग्रेजों के ज़माने की होगी। अंग्रेजों के ज़माने की बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जलेश जी मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊँ, मेरे हाथ में जो एक आम मेरे हाथ में और दूसरा हाथ जलेश जी के हाथ में। पहले मैं इन आमों के नाम आपको बताता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। ये मेरे हाथ में कौन सा आम है? ये आम आपके हाथ में जो है तो हिज हाइनेस है। आपके हाथ में ये लॉर्ड कंपू आम है। मेरे हाथ में हिज हाइनेस, जी हाँ, महाराज को हिज हाइनेस कहा जाता था। लॉर्ड कंपू अंग्रेजों के एक बड़े अफसर हुआ करते थे। इस तरीके के ढेर सारे आम यहाँ पर मौजूद हैं। जरा आमों के नामों के बारे में कुछ बताइए। अंग्रेजों के नाम से जो आम है तो इरविन, सेंसेशन, लॉर्ड कंपू और आपका रूमानी, एयू रूमानी, इनके नाम से बहुत सारे आम जो अंग्रेजों के नाम से भी यहाँ फेमस है। और यहाँ जो लाल वाला आम आया, मैं आपको रोकूंगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इन नाम के जो अंग्रेजों के जमाने के नाम के आम है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन रीवा आए थे 1950 में। यहाँ उन्होंने एक पुल का उद्घाटन भी किया था। उनके नाम से तात्कालीन राजा ने यहाँ एक वैरायटी का नाम रखा था, लॉर्ड इरविन। कहने के लिए तो वो जापानी प्रजाति थी। क्या लॉर्ड इरविन, माफ करिएगा, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो आम देख पा रहे हैं, इसी आम का नाम है लॉर्ड इरविन। इस आम के बारे में आज तमाम तरीके की बातचीत है। बड़ा हल्ला हो हल्ला मचाया गया लॉर्ड इरविन के बारे में। जरा लॉर्ड इरविन के बारे में बताइए। लॉर्ड इरविन यहाँ का एक फेमस आम है, लगा हुआ है, और ये 1905 में यहाँ जो उद्घाटन करने आए थे लॉर्ड इरविन बड़ी पुल का, उसके बाद से ही अंग्रेजों के ज़माने से ये गोविंदगढ़ में फल अनुसंधान तो था ही, अपने यहाँ रीवा में भी लॉर्ड इरविन यहाँ लगा हुआ है। हम लोग उसको तोड़े हैं, बेचे हैं, लेकिन अब महंगी कीमत में। बहुत चर्चा है लॉर्ड इरविन की, जापानी नाम के नाम नामकरण चाहे कुछ भी करते रहे। आम की क्या खासियत है जरा बताइए। उस आम की खासियत है कि सुंदर है वो, और मध्यम में पकेगा, और उसका जो अंग्रेजों के बिल्कुल यूनियन जैक का जैसा झंडा होता है, उसी तरह से उसका बसंती कलर का होते हुए लाल बिल्कुल सुर्ख रहेगा। और आम में बहुत बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन हल्का नाम है, और बाद में उसको बहुत पीला तो नहीं रहेगा, वो पूरा पूरा सुर्ख लाल रहेगा, लाल लाल में। बहुत चर्चा है, बड़ा महंगा बिका, बड़ा महंगा वो प्रचारित करने से हुआ, लेकिन वो नाम लॉर्ड अंग्रेजों के जैसे था वो, इसीलिए उसको पुराने ज़माने में जब लगाया गया होगा तो यहाँ अपने यहाँ लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन रीवा में मौजूद है। लाल तरीके का आम है, जिस तरीके से यूनियन जैक हुआ करता था, उनका एक झंडा था, ठीक उसी तरीके का उस आम का कलर भी हुआ करता था। वर्तमान में ये उस समय जब बहुत चर्चा में आया, जब उसको कहा गया ये जापानी आम है और उसके महंगे दामों में बेचा गया, उसके बाद आज की तारीख में लॉर्ड इरविन की बहुत ज़्यादा चर्चा है। हम यही जानने समझने के लिए रीवा की कुठुलिया नर्सरी में आए थे, क्या इस तरीके का कोई जापानी आम भी था, और अगर था तो क्या नाम था, क्या ये हमारे यहाँ मौजूद था। तो हमारी जानकारी में ये पता चला कि वो जापानी आम तो ज़रूर है, लेकिन उसका नाम लॉर्ड इरविन है। रीवा की कुठुलिया में वो आम मौजूद है। हम अंग्रेजों के बड़े अफसर हुआ करते थे, उनके नाम से उसका नामकरण किया गया था 1905 में, जब वो रीवा आए थे। आपको मैं आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाने जा रहा हूँ लॉर्ड इरविन। एक तरफ देखिए लॉर्ड इरविन, दूसरी तरफ जो आम आप देख रहे हैं, इसी आम की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन आमों के बारे में, हालांकि अब तो वक्त ख़त्म हो गया, वो आम पेड़ से गायब हो गए, निकट भविष्य में जब कभी भी वो आम एक बार रीवा में फिर से जब पेड़ों में फलेंगे, तो हम उन आमों के बारे में आपको ज़रूर दिखाएंगे।